देश के कई राज्यों में पेंशनर को 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10% और 75 वर्ष होने के बाद 15% की वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन हरियाणा में इस तरह का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। यहां 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद जो पेंशन मिलती है वह 80 वर्ष तक ज्यों की त्यों रहती है। 80 वर्ष की आयु होने पर उसमें 20% वृद्धि का प्रावधान है। यमुनानगर में पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष एसएल दुरेजा ने कहा कि देश के कई राज्यों में पेंशनर को 65 वर्ष पूरे होने पर 5% बढ़ोतरी, 70 वर्ष होने पर 10% बढ़ोतरी और 75 वर्ष के होने पर 15% पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं सांसदों की कमेटी इस मामले को सही ठहरा चुकी है, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बीके मेहता, रोडवेज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोशन लाल शर्मा का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तुरंत पड़ोसी राज्यों की तरह हरियाणा भी पेंशनर को पेंशन में बढ़ोतरी करके उन्हें यह लाभ दिया जाना चाहिए। जो है वो 15 साल से घटाकर 12 वर्ष किया गया। अब हम रिटायर होते हैं तो कम्यूटेशन जो हमें मिलता है उसकी रिकवरी 15 साल में होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसको पहले की तरह 12 वर्ष किया जाए और इसके साथ जो है पुरानी पेंशन जो है, अब हमारे बहुत से साथी जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। 2006 के बाद, 4 के बाद जो रिटायर हुए उनको पेंशन नहीं है, तो इस सुविधा का लाभ सभी साथियों को जो अब सर्विस कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। और मेडिकल कैश इसके सब उसके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, विचार है। और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी जो ये 20% 80 में देते हैं वो 70 साल जो इस कंप्लीट हुए तो 5%, 75 की हो जाए 10%, तो और उसके ऊपर जो आगे 15%, ये सब देनी चाहिए। ये जो पेंशनर हैं सेंटर में, जैसे 65, 70, 75, 80 साल की 5% बढ़ाई जाती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 80 साल की तो 20% बढ़ाई है, लेकिन 65, 70, 75 पे 5, 10, 15 की डिमांड है। और कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग है, कई बार सरकार इसको मान भी चुकी है लेकिन लागू नहीं कर रही है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जो पेंशनर हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको इलाज में पैसे की बड़ी भारी दिक्कत आती है, इसलिए इनका जो इलाज है वो कैशलेस होना चाहिए। ये पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का एनुअल फंक्शन है जो हर वर्ष हम करते हैं, और इस फंक्शन में जो भी गतिविधियां पेंशनर्स की हुई हैं पूरे वर्ष के अंदर वो उनको बताते हैं, जो अकाउंट्स का है वो बताते हैं, क्या खर्चा है, क्या आमदन हुई है, और इसके अलावा जो भी हमारी मांगे हैं, जो सरकार से, हरियाणा सरकार से मांगे हैं पेंशनर्स की, वो हम डीसी महोदय के मार्फत से सीएम साहब को भेजते हैं। और इसके अलावा जो 80 वर्ष के हमारे पेंशनर हुए हैं पिछले फंक्शन से, पिछले लास्ट ईयर के फंक्शन से और इस साल के फंक्शन में, उनको शॉल देकर सम्मानित करते हैं। और लेडीज़ के लिए जो पेंशनर्स और हमारे मेंबर हैं सीनियर सिटीजन, उनको 75 साल की आयु होने पर महिलाओं को भी सम्मानित करते हैं। सभी बीमारियाँ कैशलेस करने वाले, तो हमारी ये बहुत पुरानी मांग है कि हमें जो जैसे बीमार होते हैं तो सभी जो बीमारियां हैं, जैसे ही हमारा पेंशनर या डिपेंडेंट जो है उनका साथी एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसका इलाज कैशलेस होना चाहिए। अभी 16 फरवरी को एसीएस हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि हम बहुत जल्दी जो है इसको कैशलेस को नोटिफिकेशन जारी किएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने भी विधानसभा में इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसको वायदे को पूरा नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि ये जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपये, इसको बढ़ा के 1000 से 3000 किया जाए और सभी बीमारियां जो हैं वो कैशलेस की जाएं। इसका बेनिफिट फैमिली पेंशन को भी मिले, जैसे कि वहां डिस्कस हुआ है चंडीगढ़, तो ये जो इसमें कमियां थी वहां हमने बताई थी, उसको पूरा करके इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र जारी की जाए। पहली बार आई तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो पंजाब, हिमाचल, यूपी, चंडीगढ़ की जो बेनिफिट दिया हुआ है
हम भी अपने पेंशनर्स को देंगे, लेकिन आज ही सरकार को 10 साल हो गए, उन्होंने अपना जो वायदा किया हुआ है अपने मैनिफेस्टो में उसको नहीं निभाया। हम कई बार मुख्यमंत्री महोदय से करनाल में मिले, लेकिन वो हर बार आश्वासन देते हैं कि हम जो है इसको पूरा करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। जबकि जो MPs की कमेटी है इसके ऊपर, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि ये पेंशनर्स की डिमांड बहुत ही जेन्युइन है, और पंजाब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की तरह हरियाणा के पेंशनर्स को भी इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मैं SL दुरेजा, स्टेट प्रेसिडेंट, हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन करना। आज जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है, ये सीनियर सिटीजन पेंशनर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन जगाधरी यमुनानगर, इनका एनुअल फंक्शन है, और जिसके यहाँ के प्रधान जो हैं श्री बी के मेहता जी, और मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया है इसमें, क्योंकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और ये एसोसिएशन जो है हमारे जो हेड ऑफिस करनाल है उससे एफिलेशन है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज का यहाँ मीटिंग का, क्योंकि हम जो रिटायर होते हैं वो 58 पर रिटायर होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट से, और हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार से बहुत समय से लंबी चलती आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट से। जैसे सबसे पहले जो हमारी इम्पोर्टेंट मांग है वो है 65 की उम्र जैसे हम पार करते हैं उसके ऊपर 5% बेसिक पेंशन में इंक्रीमेंट बढ़ोतरी, 70 के ऊपर 10% और 75 के ऊपर हमारी 15%, क्योंकि इस समय जो वो प्रावधान है वो 80 की उम्र पर हमें 20% की इंक्रीज मिलती है, जो कि 80 की उम्र बहुत ज़्यादा है। तो 80 की उम्र पर हमारे बहुत से साथी जो हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो हमारी ये सरकार की डिमांड है कि जैसे पंजाब में, हिमाचल में, UP चंडीगढ़ में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये पेंशनर्स को अपना बेनिफिट दिया हुआ है, तो हमारे जो हरियाणा के पेंशनर्स हैं उनको भी ये सुविधा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशनर्स के हक में फैसले दिए गए हैं, उनका सरकार जो है बजाय कि SLP सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, वो कई कई साल पे चलते रहते हैं, उसका जो है समाधान सरकार जल्दी करे ताकि हमारे पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिले। बहुत से साथी तो पेंशनर्स को बेनिफिट नहीं मिलता और वो सुरक्षित धार जाते हैं। तो इसलिए जो हमारी ये डिमांड्स हैं इनको सरकार ने वायदा करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती। तो इसी उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ मांग पत्र भी देंगे और उन मांगों के बारे में अपने साथियों से बताएंगे कि क्या सरकार के साथ हमारी बातचीत है और क्या सरकार जो है हमारी मांगों को मान रही है या नहीं मान रही। क्योंकि मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ और CM कंस्टिट्यूएंसी जो है वो करनाल के हैं CM साहब, तो हमने कई बार CM साहब से इस बारे में मुलाकात की है। CM साहब आश्वासन देते रहते हैं, हमारे से डिमांड पत्र, मांग पत्र भी लेते हैं। उनके OSD MP जो करनाल के हैं वो भी हमारे पीछे सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, लेकिन आश्वासन ही देते हैं, मांगों को जो है वो पूरा नहीं करते। वैसे सरकार कहती है जी हम सीनियर सिटीजन को मान देते हैं, लेकिन मान तो तभी है जब उनकी मांगों को माना भी जाए, उनको स्वीकार किया जाए, और तभी जो है वो हमारे साथी जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और सभी हमारे साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।